हाँ जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई, मैं ना एक मसले के। माशाल्लाह फैसल भाई, आप तो बहुत प्यारे होते जा रहे हैं। थैंक यू यार। कैसे हो रहे हैं मुझे भी कुछ बताएं। हैं तुम पहले पैदाइशी प्यारे हो तुम। ओह अच्छा, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। खैर फैसल भाई, मैं ना एक मसले के तहत आया हूँ। हाँ। मेरी मुझे हेल्प कर दें आप। क्या पता पता मुझे ना, आपको पता है डिग्री करने के बाद भी नहीं आजकल नौकरी जो है नहीं मिलती। मुश्किल हुई है, जॉब मुश्किल मिलती है। सिफारिश लाओ कोई अच्छी। ये तो है, लेकिन ना अभी बड़ी मुश्किल से ना मुझे एक जगह जॉब मिली है। अच्छा। मेरी बदकिस्मती से। तेरी क्या मतलब जॉब मिली है बदकिस्मती से? शराबील ने मुझे एक जॉब दी है। अच्छा, शराबील ने। हाँ, उसने अपना कोई एक YouTube की पे ना एक उसने सवाल जो आपका शो शुरू किया। अच्छा अच्छा। तो मुझे उसने कहा कि अगर आप मुझे पाकिस्तान के बड़े सेलिब्रिटीज अलाइन करके दोगे ना, जिनका पूरे वर्ल्ड में नाम है, जिससे अच्छी बातचीत है, उनको अलाइन करो जी, तो ये तो टाइम है यूज करने का। आप प्लीज थोड़ा सा साथ दे देना मेरा। मैं जेड़ा बोले वही कुंडी खोले प्लीज। ठीक है, आपको मैं कर लूंगा। पैसे भी मिलेंगे, हर जवाब सही देने में आपको पैसे मिलेंगे। पैसे भी मिलेंगे जी, बिल्कुल। लो पैसे मिले तो मैं शादी पे चला जाऊं। लेकिन ना एक मसला है, वो बहुत ना टेढ़े सवाल पूछता है। अरे तो कोई नहीं, सीधा कर दूंगा। आपकी हेल्प के लिए ना मैं आऊंगा वहाँ। ठीक है, सही है, ठीक है। आपको अगर जवाब नहीं आ रहा होगा ना, अगर ए उसका जवाब होगा ना तो मैं ऐसे खारिज कर दूंगा। अच्छा, अगर बी होगा तो मैं यूं कर दूंगा। एक मिनट याद करने दे। ए हुआ तो सर जी, बी हुआ तो पांव टांग। ठीक है जी। और अगर सी होगा तो कमर। अच्छा सही है। और डी होगा तो पेट। और अगर मुझे भी नहीं पता होगा ना तो पूरा जिस्म जो है मैं खुजाऊंगा। तो मैं क्या बताऊंगा फिर? वो फिर आप खुद ही बताएंगे ना। अच्छा चलो, खैर मैं बुलाऊं? कोशिश करते हैं, बुला लें। आ जाए हाथ के हाथ हो जाए आज, देखते हैं हमें कितना पता है। हेलो, क्या गेम ले आए तू? हेलो किधर है? आना नहीं सेट लग। ओ बेगम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? हाँ मैं पुदीना धनिया ले आऊंगा, दोनों ले आऊंगा। तेरे भी यही मसले चल रहे हैं, मेरे भी यही चल रहे हैं आजकल। यही यही है भाई। ठीक है। हेलो शराबील, किधर रह गए हो? हेलो लाओ भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद खवातीनों हजरात, आप देख रहे हैं हम दो हमारा शो, नहीं तो जवाब दो। ये हमने एक नया शो शुरू किया है और इस शो में हम उनको मौका दे रहे हैं जो 70 साल की उम्र से ऊपर निकल चुके हैं। वो हमारे गेस्ट होंगे 70 से 17 प्लस। ठीक है, ओके। अरे क्या हाल है, कैसे आप? ठीक? आप खेल रहे? हाँ मैं खेल रहा हूँ। अरे ये हुई ना बात, आप हाँ। शो का रूल पता है आपको? मैं 70 साल से ज्यादा हूँ। पहले इनके अब्बू भी कुरैशी लिखते थे। उस्ताद उस्ताद होता भाई, इन्हीं से सीखा है। हाँ तो भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप कमोड में बैठ गए? मेरा मतलब हॉट सीट पे बैठे। हॉट सीट पे काफी गर्म है। वो पीछे का माहौल नहीं पूछा मैंने आपसे। हाँ, तो हॉट सीट क्यों कहते हैं इसको? ये मेरे ख्याल से गर्मियों में बनी है चेयर, मेरे ख्याल से। और इस पर बैठते हैं ठंडे लोग। बिल्कुल, लेकिन अभी सही है, मेरी नॉर्मल सीट है। अच्छा आपकी नॉर्मल। तो आप तैयार हैं? मैं बचपने से घर में बता के आए हैं, आज आप घर नहीं आएंगे। क्यों, तूने कोई प्रोग्राम रखा हुआ है? छोड़ा नहीं काम, तुमने होस्ट बन गए तुम। स्टार्टिंग ऐसी होती है फैसल भाई। ठीक है, हाँ करना पड़ता है। तो आप तैयार हैं? हम अपना शो आगाज कर रहे हैं, कुछ हो जाए म्यूजिक, म्यूजिक हो या मेरे होने शो का भाई। अब सब जाओ। हाँ तो भाई ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका पहला सवाल। कहाँ है? देखें, चेक करें, मुंह डालें। ठीक है, आ रहे? हाँ हाँ, तो पहला सवाल है भाई। जी जी। कौन सा परिंदा सबसे तेज उड़ता है? कौन सा परिंदा सबसे तेज होता है? ऑप्शन ए हाँ चील, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी चिड़िया, ऑप्शन डी कोयल। ए, ऑप्शन ए चील। जी, आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। लॉक किया जाए? अकेले? जी 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 प्लीज। ठीक है, अकेले अकेले। ठीक है, हाँ लॉक करें। ऑप्शन ए कंप्यूटर चील, लॉक किया जाए चील। क्या बात है, गलत जवाब। सवाल क्या था? सबसे तेज परिंदा कौन सा है? आपने क्या बोला? चील। नहीं, फिर जिसको जल्दी होती है वो तेज उड़ता परिंदा। आप चले गए माइनस पे। आप उल्टा 5,000 मुझे देंगे। अब शो होगा रिकवरी की तरफ। तो भाई दूसरा सवाल फैसल जी। जी तैयार हैं आप? मैं बचपन से। दूसरा सवाल है जी, राबिया की उम्र कितनी है?
कौन राबिया? जो पीछे बैठी है, बट साहब। अच्छा राबिया बट साहब। राबिया की उम्र कितनी है? औरत की उम्र नहीं पूछते। नहीं मतलब वो बड़ी नहीं होती, ऐसी उम्र उम्र का मजाक। चलो ऐसी हम गेम खेल रहे हैं, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। ओके, राबिया की उम्र कितनी है? ए 2 टन है, बी 4 टन, सी 10 टन, डी टन 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 टन। एक मिनट भाई, आप उम्र पूछ रहे हैं, ये टन कहां से आ गया बीच में? ये ऐसे नहीं बड़ी हो रही, ये ऐसे बड़ी हो रही है। प्लीज एक आपने कहा 10 टन, एक मैंने ए 2 टन, 2 टन बी 4 टन, ठीक है सी 10 टन, डी टन 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 टन। डी, आर यू श्योर? यस। डी टन 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 टन, यस। हाउ कैन यू से डेट? ऐसे पेट में कुछ उठा मेरे, ऐसा तो लगा मुझे। ओके कंप्यूटर जी, डी टन टनाटन टन को लॉक किया जाए। ओ माय गॉड, कंप्यूटर के कांटे सारे घूम गए। क्यों? टन टनाटन टन सही जवाब है। अरे वाह क्या बात है, वाह वाह भाई, मैं जीत गया हूं 1,00,000 रुपए अपनी तरफ से। वाह, ये अपना शो भी करें हमारा भी करें, वाह 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 भाई। ये मुश्किल सवाल था ना, जैसा सवाल वैसा वैसे पैसे, काफी भारी सवाल था। हाँ अब हम चलते हैं हल्के सवाल की तरफ। हल्के सवाल, आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी यहाँ स्क्रीन पे, ठीक है? तो आप पहले तस्वीर देख लें। हाँ। उसके बाद मैं पूछूंगा। कंप्यूटर जी प्लीज तस्वीर दिखाई जाए। तस्वीर दिखाए मैं। ओ सलामकुम जी, आपने देख ली जी? हाँ, तो ये जो सिंगर है, अगर आपको मौका दिया जाए फैसल कुरैशी साहब कि आप इनके साथ अपना कोई पाकिस्तानी सिंगर डालें, हाँ, तो आप किसको डालेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए आयमा बेग, ऑप्शन बी सज्जाद अली, ऑप्शन सी अली जफर, या ऑप्शन डी सफदर जिया। आप ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हैं? आप क्या इमली खा रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा हूं। क्या ये खुद इतने बड़े सिंगर हैं, कोई सिंगर डालने की जरूरत क्या है? नहीं डालना तो पड़ेगा आपको, देखिए कुछ चीजें होती हैं जो असल में वो ज्यादा बड़े हैं तो मुश्किल हो जाएगा बाकियों के लिए। देख लें, डालना जरूरी है। वालेकुम जी, किसी एक को तो डालना पड़ेगा फैसल भाई। भाई सफदर यहाँ पे, सफदर को ही डाल देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जी डी सफदर जिया को जाया कर दें। जाया कर दें? सफदर जिया था, अब सफदर जाया हो गया है। ठीक, बेहतरीन, आप जीत चुके 1,00,000 रुपए। सही जवाब, ये पास। आप मुझे बोले सुर्फ टेमू जी? बिल्कुल ऐसा ही है। ओके भाई, अगले सवाल की तरफ चलते। अच्छा आपके पास लाइफ लाइन है? हाँ मेरे पास है, दो हैं। हाँ। एक है गटर लाइन, अच्छा, और एक वो लाइन जो आप कभी भी पकड़ लेते हैं। कौन सी? सबको पता है। अच्छा सही है, फील्ड की, शोबीज की। हाँ हाँ, लो भाई चौथा सवाल आ रहा है। ओए होए 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 होए, ये लीग वाली को चला दी। हाँ तो फैसल कुरैशी साहब, हाँ फैसल कुरैशी साहब इस सीजन में शलवार कमीज क्यों नहीं पहन रहे? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कोई अच्छा डिजाइनर नहीं मिल रहा, ऑप्शन बी हाँ प्रोडक्शन ने मना किया है, ऑप्शन सी शलवार कमीज कंफर्ट नहीं होता, ऑप्शन डी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, ऑप्शन डी हाँ इस डर की वजह से नहीं पहने के नाड़े 2 नंबर आ रहे हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के नाड़े 2 नंबर आ रहे हैं, नाड़े 2 नंबर आ रहे हैं, खुल जाते हैं। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, क्योंकि ये सवाल हमारा 1,50,000 रुपए के लिए है। ये हमारा इंटरनल जोक है जी। वाह वाह वाह, सही जवाब, 1,50,000 रुपए आप जीत गए, नाड़े 2 नंबर आ रहे हैं। यार आप एक बात, आप होस्ट हैं यार, आप ऐसे चीख चीख के क्या बोलते हैं? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। क्या बताएं? होस्ट मैं हूँ, हाँ मेरी टकी की हुई भी है, गेस्ट के लिए चाय आ रही है। तो मैं गेस्ट हूँ ना। अच्छा, गेस्ट की इज्जत होती है, होस्ट की कहाँ इज्जत होती है? हाँ ये बात हम लोग ही बोल रहे होते हैं, हम भी जमीन पे बैठे होते हैं यहाँ पे। खैर अगले सवाल के लिए आप तैयार हैं? हम्म, दिखाएं। क्या दिखाऊं? तैयारी अपनी। ये तैयार हूं मैं, ये देख, अपनी तरफ से तैयार हूं मैं। नाइस, हैव अ सीट। थैंक यू। ओके, पांचवा सवाल बड़ा पब्लिक की तरफ से है। पब्लिक की तरफ? मेरा नहीं है ये। अच्छा, और ना ये प्रोडक्शन का है। ठीक है, पांचवा सवाल है, मुर्तजिम ने कुंडी क्यों लगाई? मुर्तजिम ने कुंडी क्यों लगाई? ऑप्शन ए ताकि कुंडी कोई और ना लगा जाए,
ठीक है। ऑप्शन बी, कुंडी इसलिए लगाई क्योंकि हमारे मुल्क में कुंडा लगाना मना है। हाँ बिल्कुल। ऑप्शन सी, ताकि वो छुप के अपने कमरे में बैठ के पिज्जा खा सके। वाह वाह। या ऑप्शन डी, यूट्यूब के व्यूज के लिए। मुझे लगता है अबे खारिश क्यों हो रही है तुझे, क्या वो ऐसे हो जाती है? ओके ओके। दो लाख का सवाल है। दो लाख का। कुंडी क्यों लगाई मुर्तज़म ने, कुंडी क्यों लगाई? क्योंकि कुंडा तो लगा नहीं सकते। हाँ जी बिल्कुल, कुंडा लगाना मना है। और मुर्तज़म जितना फिट है पिज्जा तो खाएगा नहीं वो। सही है। ठीक है। और क्या था? एक यूट्यूब पे व्यूज के लिए, ताकि कुंडी कोई और ना लगा जाए। ताकि कुंडी कोई और ना लगा जाए। और यूट्यूब पे, यूट्यूब के व्यूज के लिए। डी कर लेते हैं, यूट्यूब के व्यूज के लिए। हाँ कंप्यूटर जी आप बताइए। एक पांचवा ऑप्शन होना चाहिए था। क्या? वो कुंडी ना खड़कास होने या सीधा अंदर आ। क्या बात, ये ऑफ कैमरा वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये गाना है वैसे। जी जी हाँ। कंप्यूटर जी डी, यूट्यूब के व्यूज के लिए को लॉक किया जाए। क्या लगता है आप आज 2 लाख लेके जाएंगे? मैं ज्यादा लेके जाऊंगा। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है फैसल साहब, आपने ये जवाब भी सही दिया, आप जीत गए 2 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपए के लिए होगा ना सवाल। अब देखें आपसे सारी लाइफ लाइन ले ली गई है। क्यों? अब डायरेक्ट 10 लाख पे जा रही है। आखिरी सवाल है हमारे शो का। नहीं नहीं, लाइफ लाइन एक दो लाइफ लाइन चले, इस पर आप यूज कर लिएगा। ठीक है। आखिरी सवाल यह है कि अगर फैसल कुरैशी को मौका दिया जाए कि शराबी की शादी इस सेट पर मौजूद किसी लड़की से कराई जाए, तो आप किससे कराएंगे? ए, ये जुल्म किसी बच्ची के साथ मेरे हाथों करवाना है। थोड़ा हल्का साउंड दें, मुझे गुदगुदी हो रही है। किसी बच्ची के साथ क्यों जुल्म करवाना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नैनसुख। ऑप्शन बी दुख सुख अबीबा। ऑप्शन सी कौन अच्छी है? ओके दुआ वसीम। ऑप्शन डी नीलम मुनीर। ये तो सेट पे नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में तो है। हाँ दिल में भी। दिल में तो अगर 50-50 ऑप्शन ले लें इसमें। ले लें। हाँ चले कंप्यूटर जी 50-50 लेना चाहते हैं। 50-50 तो मिटाना चाहते हैं लड़कियां। हाँ ओके कंप्यूटर जी, दो लड़कियों को मिटा दें। लो भाई नैनसुख और इसमें से दुआ वसीम निकल गई हैं। ठीक है, अब बची अबीबा और नीलम मुनीर। अभी भी एक लाइफ लाइन है, ऑडियंस पोलिंग कर सकते हैं। ऑडियंस पोलिंग कर लेते। ओके बताइए क्या समझते हैं आप? मेरा ख्याल है कदीर से करा दें इसकी शादी। बहुत अच्छे, कदीर और मेरी शादी हो जाएगी। लोग पूछेंगे एक साल बाद आपके वहां क्या हुआ, हम बोलेंगे सिर्फ साल। वाह, वरना किंग से करा दें। मैं ऐसी मरना पसंद करता हूं भाई। किंग इस मुल्क का है। शट अप भाई उस। ओ भाईजान। हाँ जी आप बताइए। पब्लिक बोलिंग। पब्लिक क्या कहती है? नीलम मुनीर के अबीबा आपके सामने हैं। नीलम हैं? नीलम देखा, उठ के रुखसत करेंगे नीलम। हाँ, को ये होता है भाई। नीलम ये होता है भाई। नीलम इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहां खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।